क्वेश्चन है 27 से 1/2 +15 से 3/4 -12 से 2/5 +18 से 4/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना। पूर्ण संख्या को एक साइड हल कर लेंगे, 27 + 15 - 12 + 18 ब्रैकेट में इनको प्लस का निशान। अब भिन्न को एक साइड हल करेंगे, 1/2 + 3/4 -2/5 +4/5 ब्रैकेट में। अब इनको हल कर लेंगे, 15 - 12 करेंगे 3 आ जाएगा, 27 + 3 + 18 टोटल 48 हो जाएगा प्लस। अब भिन्न को हल करेंगे, नीचे का इनका हर का लघुत्तम ले लेंगे, 20 इनका लघुत्तम आ जाएगा, 2 × 20 10 × 10 प्लस 4 × 5 = 20 5 × 3 = 15 माइनस 5 × 20 4 × 2 = 8 प्लस 5 × 20 4 × 4 = 16 ब्रैकेट बंद। 48 प्लस में 33/20 इसको हल करने के बाद। अब 33 को 8/8 में करेंगे तो 33 आएगा, 48 प्लस में 1 = 13/20 49 यहाँ हो जाएगा 49 = 13/20 ऑप्शन बी आंसर है। संयुक्त संख्याओं से संबंधित जोड़ तथा घटा पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय पूर्ण संख्याओं को एक साथ तथा भिन्नों को एक साथ जोड़ा या घटाया जाता है, लेकिन यदि भिन्नों का योग फिर संयुक्त संख्या के रूप में आ जाए तो उसमें उपस्थित पूर्ण संख्या को पुनः पूर्ण संख्याओं के योग में जोड़ दिया जाता है। जैसे निम्नलिखित संयुक्त संख्या को लिख सकते हैं, क्वेश्चन है 37 + 4/7 ये ऑप्शन है, इनमें से इसका आंसर बताना है। इसको लिखेंगे 37 / 4/7 यानी सी आंसर होगा इसका। यदि यहाँ होता 37 + 15/7 तब 37 + 15 को 7 से भाग करने पर हमें प्राप्त होता 2 = 1/7 तब 37 में 2 जोड़ देंगे 39 = 1/7 इसका आंसर होगा। यहाँ प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन 13 = 3/4 +17 = 2/7 +31 = 1/4 +15 = 5/7 +12 = 2/3 बराबर है क्वेश्चन मार्क। ये ऑप्शन है, इनमें से आपने आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन 20 = 7/8 +14 = 1/3 -10 = 1/8 +21 = 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन ऑप्शनों में से आपने आंसर बताना है।